सुमेर जी की एंगेजमेंट टूटना, चित्रा जी का यूं घर से चले जाना और फिर अचानक से उनकी मौत हो जाना, और अब रोशनी पे हो रहे अटैक। कोई तो है जो सुमेर जी की जिंदगी में किसी को रहने ही नहीं देना चाहता। फिर एक दिन रौनक बाबा को साथ लेकर हमेशा हमेशा के लिए घर छोड़कर चली गई, और थोड़े दिनों में वो ये दुनिया छोड़कर चली गई। उनकी उम्र सिर्फ 40 साल की थी। विमला मौसी की बात से लग रहा है जैसे उनको सारी सच्चाई पता है। वो जानती है कि चित्रा आंटी के साथ क्या हुआ था, लेकिन वो बता नहीं पा रही। कहीं वाकई में चित्रा आंटी का भी मर्डर तो नहीं हुआ? अगर ये सच है तो बेचारा रौनक कितना गलत हुआ है इसके साथ, और उसको पता तक नहीं है। मैं भी श्योर नहीं हूँ, इसलिए मैं रौनक को कुछ भी नहीं बोल सकती। कहूंगी भी तो क्या, वो भरोसा भी नहीं करेगा। पर कुछ तो है जो बहुत अजीब है। ये जो भी इंसान है पक्का बहुत स्ट्रांग, इसलिए विमला मौसी भी उसका नाम नहीं ले पा रही है। इस फायर ब्रिगेड, मारे फाइल्स तुम्हारे लैपटॉप में है, मेरे चेहरे पर नहीं। माना मैं बहुत हैंडसम हूँ, लेकिन ऐसा घूरना बंद करो, वरना मुझे नजर उतारने वाली माला पहननी पड़ेगी तुम्हारी नजरों से बचने के लिए। यार नहीं तो मैं विमला मौसी को भी बोल सकता हूँ कि मेरे लिए भी एक रक्षादागा बना दे। ओ हेलो, तुम इतने भी हैंडसम नहीं हो कि मेरी नजर लग जाए। रियली? झूठ तो ढंग से बोला करो मिस फायर ब्रिगेड, फिदा हो तुम मुझ पर। वो तो मैं ही हूँ जो तुम्हें भाव नहीं देता। अपने ख्वाबों से बाहर निकलो मिस्टर रौनक रेड्डी, इतनी भी गलत फहमी नहीं पालनी चाहिए। तुम पे फिदा हो मेरी जुत्ती। वो तो तुम लकी हो कि तुम्हें मेरी जैसी समझदार और ब्यूटीफुल वाइफ मिल गई, वरना तुम आज तक ना सिंगल ही रहते। तुम और ब्यूटीफुल, ये ब्यूटीफुल का डेफिनेशन कब से बदल गया? प्लीज, जो भी मुझे देखता है ना वो देखता ही रह जाता है। और वैसे भी हीरे की पहचान हर किसी को नहीं होती है। कहाँ आ रही हूँ रौनक? स्टे अवे। क्या कर रहे हो तुम रौनक? टू रूम्स। देख लिया, पार की नजर तो मैं भी रखता हूं, पर कुछ खास ही नहीं है। क्या? तुम्हारी शक्ल, खूबसूरती नाम की कोई चीज ही नहीं है तुम में। Excuse me? तुम होते कौन हो मुझे जज करने वाले? उसमें क्या है, कोई भी बता सकता है। तुमने अपना माता देखा है? कितना अजीब है। और मेरा माता देखो कितना अच्छा है। और अपनी नाक देखिए कितनी चपटी है, और मेरी नाक देखो एकदम शार्प है, ऐसी रहनी चाहिए। और तुम्हारे अपर लिप्स ना थोड़े मोटे हैं, ऐसे रहने चाहिए, स्लिम, बिल्कुल एंजेलिना जॉली जैसा। और तुम्हारे गाल खास नहीं है, ऐसे होने चाहिए एकदम नाइस। और ये वाला गाल इसमें क्या है? ये भी तो एकदम परफेक्ट है, तुमसे तो बहुत अच्छा है। आई लाइक इट, आई लाइक योर स्पोर्ट। मैं तुम्हें तुम्हारी कमियां बता रहा हूँ और तुम उसे हंस के एक्सेप्ट भी कर रही हूँ। ऑफ कोर्स, अब अपनी कमियां तो एक्सेप्ट करनी पड़ेंगी ना। अब मैं तुम्हारी तरह थोड़ी ना दिख सकती हूँ। 1 मिनट। हाँ ले लेना फोटो। श्योर। मुझे पता है मैं बहुत हैंडसम हूँ। वाओ, सी कितने हैंडसम लग रहे हो तुम। अब मैं फोटो निशा को भेजूंगी, देखना उसको बहुत मजा आएगा। तुम मेरे मजे ले रही थी, बता नहीं सकती। तुम इतने बिजी थे अपनी तारीफ करने में, अब मैं तुम्हें रोक थोड़ी सकती थी और ये थोड़ी ना बता सकती थी कि तुम क्या कारनामे कर रहे हो। सो जस्ट लेट मी सेंड। नहीं नहीं, डिलीट करो, डिलीट करो उसे। नो चानी, फोन दो। नो चानी, डिलीट करो फोन। रौनक मैं नहीं दूं। फोन दो। नो चानी, रौनक चुप करी। कहां चानी, कहां भाग रही है तुम? रौनक चुप करी। कोई चिपकली नहीं थी वहां, मुझे फोन दो। नो चानी, नहीं मैं
सबको दिखाऊंगी कि हाउ गुड लुकिंग यू आर। आई एम गुड लुकिंग, मुझे फोन दो प्लीज। अब तो ये सब सब देखेंगे। चांदनी नहीं, फोटो डिलीट करो अभी। क्या बिल्कुल भी नहीं, ये फोटो मैं निशा को भी भेजूंगी, संजय जी को भी भेजूंगी। यू आर नॉट डूइंग दैट। ना देखो तुम मेरे साथ जबरदस्ती नहीं। मैं जबरदस्ती? हाँ। तुमने मेरे फोटोज लिया, वो गंदे फोटो से डिलीट करो अभी। नो वे। क्या कर रहे हो तुम? सेल्फी ले रहा हूँ हमारी। स्माइल दे रहा हूँ। नहीं नहीं नहीं, तुम कहीं नहीं जाने वाली हो। स्माइल दो। स्टॉप इट। तुम्हें बहुत फोटो खींचने का मन है ना? अब भेजो जिसे भेजना है, देखते हैं। मानवी मेरा 15th मैसेज है, प्लीज रिप्लाई कर दो। OMG, ये ब्लॉक्ड मी। हेलो मानव, ये वॉइस मैसेज तुम तक नहीं पहुंचेगा क्योंकि तुमने तो मुझे ब्लॉक करके रखा है। गलती क्या है? मैंने तो तुमको बताया था कि I like you। तुमने तो मुझे सिर्फ फोन से नहीं, जिंदगी से ब्लॉक कर दिया। और मुझे मेरे सवाल का जवाब भी मिल गया। थैंक यू सो मच। निशा दे, क्या हाल बना रखा है अपने रूम का? विमला को बुलाओ, उसकी हेल्प लो एंड जस्ट क्लीन द रूम। और ये लो फ्रूट्स, खा लेना। हाँ मॉम, क्या आप मुझे थोड़ा टाइम दे सकते हो? मुझे आपसे कुछ बात करनी है। श्योर, कम। व्हाट हैपेंड मॉम? आई जस्ट फील लाइक क्राइंग एंड फील लाइक ब्लैंक मे बी। Mom, can you keep your phone and calm aside, please? मुझे आपसे बात करनी है। It's okay, Nisha. Come. हूँ ना मैं इधर। I understand, बेटा। कभी-कभी ऐसा feel होता है। It is normal. और तुम इन सब बातों पर ध्यान मत दो। थोड़ी देर rest कर लो और उसके बाद exams के लिए preparation करना। वैसे भी बिजनेस के लिए ये सब आगे चल के तुम्हें बहुत काम आएगा, राइट? इट इज इम्पोर्टेंट। मॉम, मुझे सिर्फ आपका प्यार, वक्त और अपनापन चाहिए। और अब मेरे एग्जाम की पड़ी है आपको, और आपको मेरी फीलिंग्स की वैल्यू नहीं है। आपको बेटी के ये इमोशंस, फीलिंग्स अपने बिजनेस के आगे कुछ नहीं दिखते। आई हेट यू मॉम। निशा, यू मे हेट मी, ये बेकार की बातें लेकर मत बैठो लाइफ में। तुम्हारी उम्र ही क्या है, जिंदगी क्या देखी है तुमने? निशा, डोंट फॉरगेट, तुम संजोत बब्बर की बेटी हो। ये सब सूट नहीं करता तुम पर। बेटी, माय फुट, आई एम जस्ट अ वे फॉर योर बिजनेस। आपको मेरी परवाह ही नहीं है।
मार दिया चांदनी को? वो उठ गई है। मैं ये नहीं कर सकती, मुझे माफ कर दीजिए, मुझे माफ कर दीजिए। मौसी, मुझे उस इंसान का नाम क्यों नहीं बता रही? हो ना हो, वो इंसान इसी घर में है। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।